अभी गुजरात के अंदर एक सरदार पटेल जी की स्टेचू लगी है, अगर यही स्टेचू कुछ ऐसी स्टेचू कुछ दलित प्रेरणा स्रोत या हमारे महान पुरुषों की होती तो इस पर मीडिया और बहुत सारे विवाद होते, और तो इस पर कोई विवाद नहीं और आज मीडिया भी चुपचाप बैठा है। देखिए, इस विषय में मैं आपको बड़ा स्पष्टता से, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टैचू सरदार पटेल जी की, जो कि ओबीसी समाज के एक बहुत ही प्रमुख और प्रिवी पर्स की समाप्ति उन्होंने की उस समय, और भारत के पहले गृह मंत्री बनने का उनको गौरव मिला, तो उनका राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान है उसके लिए उनकी जो स्टैचू बनाई गई है उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार धन्यवाद है। साथ साथ जो दूसरा सवाल आपने किया, मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर चुका हूँ और आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा कि अगर सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर की हम व्यक्तित्व की अगर तुलना करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व सरदार पटेल के व्यक्तित्व से किसी भी परिप्रेक्ष्य में कम नहीं है, पीछे नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ये बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति बन गए हैं जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं। और इंडिया से बाहर जितनी स्टैचू बाबा साहब की लगी हैं, जितनी विश्वविद्यालयों में, जितनी भी, मैं अभी पिछले दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया वहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ था, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में अभी वैंकूवर गया वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ था, तो दुनिया भर में बाबा साहब का जितना सम्मान हुआ है, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करूँगा कि जितनी बड़ी स्टैचू उन्होंने सरदार पटेल जी की लगाई है उससे बड़ी स्टैचू अगर वो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की लगाते हैं तो पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की अनुयायी उनका धन्यवाद करेंगे, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये कदम आने वाले समय में भारत राष्ट्र निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कदम साबित होगा। और जहां तक आपने दूसरा सवाल किया है कि अगर ये स्टैचू, जैसा कि हमारी बहन, अगर बहुजन समाज की महानायिका बहन मायावती जी ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में, मान्य काशी राम जी के नाम पर लखनऊ में और नोएडा के अंदर जो ये पार्क बनाए, जो भी स्मारक स्थल बनाए, उसको लेकर के मैं आपको कहूं कि समाज में जो प्रतिक्रियाएं आई और मीडिया ने जो प्रतिक्रियाएं दी वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। मेरा कहना यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, जो भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्याय की संस्था मानी जाती है, वहां से भी कुछ ऐसे आदेश मिले कि साहब जो हाथी है उनकी, जो हाथियों की जो मूर्ति लगी उनको ढक दिया जाए, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या भारत की सर्वोच्च जो न्याय संस्था है उसको कहीं ना कहीं ये जो हमारे महापुरुषों के नाम पर जो स्मारक बनाए गए या पार्क बनाए गए उनसे, उनको भी मुझे लगता है कि दिक्कत हुई। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए, सर्वांगीण विकास को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमको सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। और बहन मायावती जी ने जो भी मूर्ति बनवाई, जो भी पार्क बनवाए, जो भी स्मारक बनवाए, उनकी कॉस्ट तो बहुत कम है। मैं एक यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, अक्षरधाम मंदिर हमने अभी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जगह में बनवाया और उसके किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति ने, कहीं किसी भी व्यक्ति ने उसकी कोई आलोचना नहीं की और उसको दिल से सभी ने स्वीकार किया। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग जो भी स्टैचू आपने अभी सरदार पटेल जी का लगाया उसको पूरा देश ने स्वीकार किया है, हमने भी स्वीकार किया, हमारे बहुजन समाज ने भी स्वीकार किया है, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, जो भी महापुरुष ओबीसी समाज से, एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाम पर अगर देश में स्मारक हमारी बहन मायावती जी, जो हमारी समाज की नायिका, अगर उन्होंने बनाए, तो ये जिम्मेदारी बनती थी आप लोगों की, आपको बनाने चाहिए थे, जो आपने नहीं किया। और आपने एक तो वो काम नहीं किया, और दूसरा यह है कि अगर बहन मायावती जी ने उस जिम्मेदारी को निभाया तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था और आपने अप्रिशिएट भी नहीं किया। तीसरा यह है कि अप्रिशिएट करने की बजाय आपने उसकी आलोचना की है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी ऐसा कदम लोगों ने उठाया ये निश्चित रूप से ये राष्ट्र के हित में नहीं है। और राष्ट्र के हित में यही है कि सभी महापुरुषों की आप स्टैचू लगाएं, सभी महापुरुषों के नाम पर आप एयरपोर्ट बनाएं।